हेलो एंड वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गाइस। और मैं लेकर आया हूँ आज MT15 125 सीसी बाइक। जी हाँ, 125 सीसी MT15 बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है गाइस। और MT15 इतना नाम फाड़ चुका है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कि क्या ही बोला जाए। एक बात बोलूँगा MT15 को लेकर कि इंडियन में अभी क्या चल रहा है। तो गाइस, इंडिया में फॉग नहीं चल रहा, इंडियन में अभी MT15 चल रहा है गाइस। जी हाँ, MT15 का इतना क्रेज़ बढ़ा हुआ है गाइस कि जो 125 सीसी का इंतज़ार सदियों से कर रहे हैं हम लोग, सदियों से कर रहा है, यहाँ बैठे हुए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 125 आ जाए, कुछ ऐसा रेंज में आ जाए कि लिया जा सके गाइस। और 125 फाइनली अब लॉन्च होने जा रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में गाइस। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, रियल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो जेन्युइन हो सकता है, यूँ नहीं कि होगा, मतलब ये ही हो सकता है, उसके साथ में स्टार्ट करने वाला वीडियो को। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। जो बाइक लेना चाहते हैं, जिनको पसंद है, जो बाइक में रुचि रखते हैं, उनको ये वीडियो का चैनल शेयर कर दीजिए ताकि मेरा जो इन्फॉर्मेशन वीडियो उनको पहुंच सके और उनको कुछ हेल्प हो सके। बस तो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं MT15 125 सीसी बाइक की क्या क्या उसमें फीचर्स है गाइस। उससे पहले हम बता दें, अगर हम लोग इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग इंडियन क्या खोजते हैं, एक मिडिल क्लास, चाहे हम लोग भी तो मिडिल क्लास ही, हम लोग क्या खोजते हैं, बाइक का लुक, माइलेज और प्राइस, ये तीन चीज़ें खोजते हैं गाइस कि ये तीनों अगर बेस्ट मिल जाए तो हम लोग वही गाइस खरीद सकते हैं। तो गाइस, 125 सीसी में ऐसा ही कुछ धमाका मिलने वाला है, प्राइस, माइलेज और लुक, तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल के निकालने वाला है, इसलिए गाइस इसका इंतजार हो रहा है। अगर हम लोग प्राइस की अगर बात करते हैं, डायरेक्ट हम लोग प्राइस पे आते हैं, प्राइस की अगर बात करते हैं तो 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में रहने वाली है गाइस। थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है, लेकिन गाड़ी का और भी क्वालिटी है इसमें। और माइलेज की बात किया जाए तो 45 से 55 के बीच में रहने वाली है, काफ़ी उमदा माइलेज दिया जा रहा है। और लुक तो आपको पता ही है, देखने में पूरा ड्रैगन लगता है, खतरनाक लगता है, नेकेड वर्सन है गाइस, मतलब इतना अच्छा गाड़ी है कि अगर मान लीजिए 125 सीसी गाड़ी लॉन्च हो जाता है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में तो अपने सेगमेंट में किसी को सटने नहीं देगा, यहाँ तक ये 150 को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि MT15 R15 का जलवा चल रहा है अभी मार्केट में। तो गाड़ी की हम लोग बात करते हैं तो गाइस, इसमें LED हेडलाइट जो है, प्रोजेक्टर लैब यूज़ किया गया है गाइस, साइन इंडिकेटर जो होता है वो भी LED यूज़ किया है, टिल लाइट है वो भी LED यूज़ किया है गाइस। और इसका सबसे पहले मीटर कंसोल की बात करते हैं, डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, TFT देखने को मिल सकता है गाइस। और सस्पेंशन का बात किया है तो सस्पेंशन USG डाउन से सस्पेंशन देखने को मिल सकता है गाइस। और इसमें जो सॉकर है, मोनोसॉकर यूज किया गया है गाइस। मोनोसॉकर का खास बात है इसमें कि एडजस्टेबल मोनोसॉकर है, इसको हाइट के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो सबसे खास बात है गाइस। जो कम हाइट वाले होते, जो ज्यादा हाइट वाले उसको ऊंचा कर सकते हैं, जो कम हाइट उसको नीचा कर सकते हैं, सबसे खास बात दिया है, एडजस्टेबल मोनोसॉकर दिया है गाइस। और अगर इसमें ABS की बात करते हैं तो शायद इसमें सिंगल चैनल ABS मिल सकता है गाइस, शायद, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इसको सिंगल ही रखा जा सकता है, मुझे जहां तक लगता है। और इंजन इसका बता दो, इंजन लिक्विड कूल इंजन मिलेगा गाइस, जो सभी गाड़ियों में देखने को आमतौर पर मिलता है, लिक्विड कूल इंजन। और इसका अगर स्पीड बॉक्स का बात किया है तो कंपनी तो 6 गियर बॉक्स का उम्मीद है, बट गाइस 125 सीसी में 6 गियर बॉक्स देगा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अगर 6 देता है तो समझिए इसका स्पीड आप सोच सकते हैं कि टॉप स्पीड 125 तो 125 ही देगा, क्योंकि 6 गियर बॉक्स दे रहा है गाइस, ये खास बात है गाड़ी में। बात करते हैं तो फ्यूल टंकी 11 लीटर के गाइस, सोच सकते हैं 125 सीसी में 11 लीटर का फ्यूल टंकी दे रहा है, बहुत बड़ा बात है। माइलेज तो पता ही है, 45 से 55 मिल सकता है गाइस। टॉप स्पीड तो कंपनी दवा कर रहा है, 120 मिलेगा गाइस। और एक खास बात इसमें बताया जा रहा है कि अगर ये 0 to 100 14 सेकंड में टच कर देगा, आप सोच सकते हैं गाइस, 0 to 100 14 सेकंड में टच कर रहा है 125 सीसी का गाइस, मतलब कितना पावर होगा। अगर पावर की इसमें बात की तो टॉर्क दिया 11 Nm पे इसको टॉर्क दिया गया है। और एक और खास बात है इसमें, ePetrol 20% यूज कर सकते हैं, 20% यूज कर सकते हैं जो दिया गया है। और स्टैंड में भी सेंसर लगा हुआ है गाइस, उस सेंसर का क्या मतलब है कि अगर साइड स्टैंड गिरा हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, बंद ही रहेगा गाइस, सबसे खास बात है गाइस इस गाड़ी का। अगर गाइस लॉन्च का बात किया है तो लॉन्च डेट जो है 16 फरवरी 2024 में बात चल रहा है कि उस तारीख को लॉन्च कर दिया जाए। क्या है, 16 फरवरी को लॉन्च हुआ गाइस, उम्मीद करते हैं तो लॉन्च हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में ऑलरेडी ये गाड़ी दौड़ रही है, बस इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आने वाली है गाइस। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि फटाफट से ये आ जाएगा और हम सबको मजा मिलेगा, एंजॉय मिलेगा चलाकर। और वीडियो आते ही मैं इसमें वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा कि आने के साथ देखते हैं कि क्या क्या अब बदलाव है, या जो बोला है वही सेम टू सेम दे रहा है, या कुछ चेंजिंग के साथ आ रहा है गाइस। होप सो गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ इसमें ये खूबियाँ हो सकता है, तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो MT15 के लवर है उनके तक ये वीडियो पहुंचा दिया जाए कि 16 फरवरी 2024 को आ रही है, स्वागत के लिए रेडी रहेंगे हम लोग। तो मिलते हैं ऐसे ही अपकमिंग बाइक्स के लिए, तो वेट एंड वॉच।